तो गाइस रचित आया अभी अभी कटिंग करवा के और मेरी इससे बात हुई थी 6 बजे। गाइस ये देखो मोर उड़ जाएगा अभी मेरे को देख के। हे गाइज वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हो सब? तो गाइज मैं भी ठीक हूँ और आप भी ठीक ही होंगे। तो गाइज आज बहुत ही अच्छा मौसम है, धूप निकली हुई है सुबह उठते ही, शायद गर्मी होने वाली है। और कल इतनी ज्यादा सर्दी थी कि सुबह उठा ही नहीं जा रहा था, और आज जल्दी उठ के नहा ली हूँ मैं और काम भी कर लिया है। अभी रोटी बनानी है बस। फिर चीनू आज स्कूल नहीं गई क्योंकि कल हम शादी में गए हुए थे तो वहीं पे लेट हो गए, तो चीनू आज स्कूल जा नहीं पाई, आँख ही नहीं खुली। और जो उसने डांस वगैरह किया था उसकी वजह से उसको थकान भी है, तो अभी वो सो रही है, उसको उठाऊंगी मैं थोड़ी देर में। तो गाइज अभी चीनू को उठाया है तो मैंने देखा इसको बुखार है, तो दवाई वगैरह सब दिलवा दी है इसको, खाना खा के इसने दवाई भी ले ली है, आराम सा लग रहा है अब तो, जब भी बुखार चढ़ा लेती है। कितनी एक्टिंग करती है, कितनी। रो रही है, डरा रही है। देख 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 देख, दे पीछे दूध है, दूध है। तो गाइस देखो ताई ने देखो ये दे दिया और चीनू को ये दे दिया और खुद कुछ खाया है, खुद खाया है। खा लो बेटे, खा लो पानी पी, ठीक है। मैंने खा लिए बेटे, खाओ थारे थारी बेटी ले आई से, ठीक है, है ना। के मामला बढ़ाई से, ठीक है, तेरी बेटी ले आई से, ठीक है। इसी सब को आओ दो लड्डू पोल ले आओ, है ना। हाँ क्या कर रही है चीना? ओ भाई थक गई मैं, चाय बना ले एक बार, बैठ के दोनों भाई चाय पियेंगे। कहाँ थे इतनी देर से? हम गए थे घूमने। पूरे दिन हांडते रहते हो? और क्या, आप आज आप चाय पिलाओ। पूरे दिन हांडते रहती हूँ, जब भी पतली नहीं हो रही बताओ। आज आप चाय पिलाओगे? चाय तो मेरे को चीनू के हाथ की पीनी है। फिर मेरा भी तो मन है पीने का। हाँ दोनों पियेंगे ना बैठ के। फिर मेरा आपके हाथ का पीने का मन है तो तू बना दे, मैं अपने हाथ से पिला दूंगी तेरे को। मम्मा ऐसा नहीं होता। तो तू अपने आप पी लिए तो आप बनाओ आज। नहीं चीनू तू आप बनाओगे? बनाएगी चीनू, बनाएगी, मम्मी बनाएगी, मम्मी बनाएगी, मम्मी बनाएगी, मम्मी 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 नहीं मेरे गुदगुदी हो जाएगी, रहने दे। नाखून नाखून निकाल, नहीं मान रही ना, थूक दे नीचे। खाया भी नहीं, बस मुंह में हाथ लिया था। जल्दी आ जा। तो गाइस गली की लाइट ना खराब हो रखी थी तो मैंने अभी इनको बुलाया है और वहाँ पे खंबे पे मैं एक लाइट लगवाऊंगी। क्या करवा रहे वैसे? ये लाइट खराब है ना, ये यहाँ पे बड़ी लगवा रही, वैसे भी छोटी है ये, फिर यहाँ अंधेरा रहता है रात में। पेड़ के दो पत्ते कटवाने पड़े। नहीं नहीं वो कोई नहीं है, बड़ी हो जाएगी ना थोड़ी साइड घुमा। हाँ मैं वही सोच रही थी। वह चीनू ने चाय बनाई थी, फिर वो लाइट वाले भैया आ गए तो चीनू कह रही है मेरी दे दो, मेरे को नहीं पीनी। तो मैंने चीनू की इसमें डाल ली है और ये वाली मैं पीऊंगी। और चीनू को देखो फिर से खिंडा लिए इसने अपने कपड़े और अभी इनकी तह लगाएगी। तेरे को बस यही काम है? अच्छा कितने नहीं है? जो नहीं पहनने के उनको निकाल दे, ठीक है। फिर रखने जाएगी ना, फिर सोचेगी सारे ही तो पहनने के हैं। क्यों फेंक रही है ऐसे चीना? देखना इसको, तेरे पास है इतना टाइम, इतना खिंडा के इनको रखने का दोबारा। चल मैं वो लाइट लगवा लूं बाहर, तू जब तक ये कर ले। क्यों फेंक रही है जब ऐसे? तेरे मन का ही नहीं पता क्या, गोबर खा लिया तूने, ऐसा मन हो गया तेरा है बावली? देख लो मेरे कपड़े, देख लो मेरी खाली हो चुकी है, ये मेरे सारे। तू यहाँ सो जाए अगर ऊपर, ठंड भी नहीं लगेगी। आप एक दिन याद है मैं क्या कर रही थी, आप पे प्रैंक किया था, मम्मी ने सारे के ढूंढ लिया और मैं छोटी सी इसके अंदर छुप के बैठी थी। अच्छा मेरे को तो ध्यान भी नहीं है। बाय। मत बंद कर, सांस रुक जाएगी, खोल दे और तय कर ले। मैं एक बार बाहर देख रही हूँ लाइट। पूछा थोड़ा थोड़ा चाहिए क्या? ना थोड़ा नहीं। यस ये देखो मोर उड़ जाएगा अभी मेरे को देख के।
गाइस अभी चीनू आई है और मैंने उसे मंगवाया है पनीर, मटर, टमाटर, क्योंकि मेरे को बनाने हैं चावल। अभी गेट बजाएगी चीनू। ले आई तो चीनू ये सामान लेके आई है। तो अभी ना रचित आएगा तो चावल बना लेती हूँ। आप बनाओगे? मैं इतनी सी भी हेल्प नहीं कराऊंगी क्योंकि मुझे बहुत काम है। मैं खुद बनाऊंगी क्योंकि मुझे अपने कपड़े उठाने हैं, स्कूल का भी करना है। ठीक है, बाय टाटा। बाय। हो गई थे? अभी भी बच। ले वहीं रख ले एप्पल, खाती रह और करती रह। पर दिन ठूसते रहा करो मेरे मुंह में। और क्या, कितने अच्छे लग रहे कपड़े तय में आगे सटिए, जैसे शोरूम में नहीं रखे रहते हैं। कल इतने अच्छे रही हूँ मैं। तो गाइस कमेंट करके बताना किस किस की अलमारी में ऐसे तय में कपड़े रखे हुए हैं इतनी सफाई से। तो गाइस मैं बना रही हूँ चावल और ये गाजर मटर और पनीर डालूंगी चावल में, और अभी ये टमाटर वगैरह डाल के मैंने कर दिया है फ्राई। तो गाइस चावल बन के हो गए हैं तैयार। चीनू खा के पता कैसे बने हैं, जल्दी आ। ये थोड़े से ऐसे जल से गए नीचे, ये वाले थोड़े जले जले हो रहा है। हीटर के आगे बैठेगी, देख कैसे बाप निकल रही है। बाप तो निकलेगी। खा के बताएं कैसे हैं। गरम है ना अभी, स्वाद ही नहीं आ रहा। तो गाइस रचित आया है अभी अभी कटिंग करवा के, और मेरी इससे बात हुई थी 6 बजे, और ये आया कितने बजे टाइम देख लो, 10:30 बजे। कहाँ था इतनी देर? बाल कटवाए थे, जाम बहुत था, 2.5 घंटे लग गया। रात को भी जाम रहता इस टाइम? तब तो था, इस टाइम भी मतलब 9 बजे 10 बजे भी होता है जाम। वैसे वहाँ से हम निकले थे 5 बजे निकले थे, हम शाम में निकले थे 5:15 यहाँ बस चिमियार पहुंचे 8:15। हाँ आते टाइम तो खैर जाम था क्योंकि टाइम बाल वाल कटवाए फिर यहाँ आ गए थे। और साथ में विनय भी आया है दाढ़ी मूछ कटवा के। चिकनी चमेली। क्यों कटवा ली, सही तो लग रहे थे वे मूछ। चैलेंज में हारा था मैं, मेरी पनिशमेंट थी क्लीन शेव होना। अच्छा फिर क्लीन शेव हो गया मैं फिर। हल्का हल्का हो गया होगा मुँह। हाँ फर्क तो पड़ा है। तो मैंने चावल बनाए हैं, डाल दूं? पेट भरा हुआ वैसे आंटी, खा लिया हमने। क्या खाया? झालमुरी। झालमुरी। ज्यादा खा लिया होगा। हाँ। मतलब 2-3 प्लेट खा ली होंगी। बना रखे मैंने बढ़िया वाले चावल, बहुत साल बाद खाई। और विनय तूने भी? दोनों ने खाई हमने। मैं इनको बताया था मगर आज भी 5 रुपए की चाउमीन मिलती है वहाँ पे, 5 रुपए की वही झालमुरी मिल जाती है। क्या इतनी सस्ती भी हो, क्या बचता होगा पता यही रेट है। सही भी और बढ़िया भी बनाते हैं। हाँ झालमुरी अच्छी थी, वो खाई थी। बढ़िया बनाते हैं यहाँ पे। अब तो फिर भी 5 की दे रहे, पहले तो 2 रुपए की भी आती थी, 1 रुपए की भी आती थी। वो बचपन में आती थी, फिर थोड़ा बड़ा हुआ तो 5 की आने लगी। लेकिन अब भी 5 की है। हाँ 5 की आती है। हम गाड़ी से गए थे तो बोला भैया 10 की तो ले लो। अच्छा। तो फिर मैंने 20 रुपए दे दिए थे उसको ऐसे ही। अच्छा वही था जो पहले जिसे तू लाता था, वो जो उसका बेटा है, वो बुड्ढा अंकल था, वो तो नहीं दिखता उसका बेटा है, उसका वो लड़का है। हाँ। मैं पूछ रहा था वो कहाँ गए अंकल, कह रहा वो अंदर ही रहते हैं। हाँ। बीमार हो गया, बड़ी एज हो गई ना। मैंने भी पूछा था एक दिन, मैं भी खा के आई थी। लेकिन वो उसके पापा के हाथ में ज्यादा स्वाद था। हाँ, वो मस्त है ना, फर्क लगा तुझे? झालमुरी बेच के 4-5 मंजिल का घर बना लिया। और क्या मैं बोलता था ना, मगर झालमुरी बेच के घर बना रखा है पूरा, पहले नहीं था उनका घर। हाँ ये तो है ही, इतना थोड़ा थोड़ा करके जोड़े पैसे। क्या कर रहे हो? चने के लड्डू डाल रहे हो रचित के लिए। अच्छा तो गाइस चने के लड्डू बन के तैयार हो जाएंगे 10 मिनट में। अब अपने गाल को चना खिला रहे हो है? किसको? गाल को लग रहा है, गाल पे लग रहा है चना। वो जैसे मैंने चखा था ना थोड़ा मीठा, तो ऐसे किया ना तो वो शायद उछल के फाका मारा था। देख हाथ पे अब भी लगा है क्योंकि मैंने फाका मारा था। देख अच्छा फिर वो मीठे का पता नहीं लगता ना। मुझे भी चखा दो थोड़ा। खाके बता कैसा आगे तेरा। मीठा सही है? चलो इतना ही रखना और मत कर। नहीं और नहीं डालना अभी इनको। देख वैसे बनाऊंगी मैं लड्डू की तरह, घी इसमें सही डल गया, अब इसके लड्डू बन जाएंगे। रखूंगी किसमें चीनू? कुछ मुझे बर्तन दे, प्लेट दे दू, थाली इतने छोटे बनाओ या बड़े? इतने बना दो जो एक बार में खाया जाए ना। ये कुछ तो दे, ये तो सारे खत्म हो जाएंगे एक दिन में। कुछ तो दे रखने के लिए, थाली ले चीनू इसमें डाल दे डिब्बे में। बड़ा नहीं पा रहा है देख साइज। हाँ सही है ना। तो गाइज इसमें मैंने ये गाजर का हलवा दे दिया है विनय। हाँ जी बढ़िया बना है ये, ठीक है। बस थोड़ा ज्यादा मिक्स वो हो गया, मतलब घुट गया ज्यादा। मैंने साबुत उबाली थी ना,
फिर उनको जैसे मैंने ऐसे तोड़ा, मतलब तो ज्यादा बारीक हो गया, पर वैसे स्वाद सेम है। हाँ बताना। जाके गरम करके। और ये चीनू ने सॉस बनाया था? हाँ मैंने खाया। कैसा लगा? बढ़िया। बढ़िया है सच में? शेफ है शायद चीनू, है ना? हाँ। काफी चीजें आती है बनानी है चीनू। तब कुछ बना। इसका मन करता है वैसे बनाने का, जब इसके मन में आ जाए ना तो बना के ही छोड़ेगी फिर तो। और बनाती भी स्वाद है। आना भी चाहिए खुद को खाना बनाना। कह रही थी मेरे को कोई रख लो 30,000 में। तो इतने लोगों के कमेंट आ गए कि हमारे ढाबे पे आ जाओ। फिर ये कह रही 30 में चली जाऊं? नहीं 50 में हुई थी चीनू, है ना? 50 में। तो 50 में भी यहाँ भर रहे हैं लोग, बताओ। चीनू जाएगी फिर? चली जाऊंगी, तैयार भी है जाने के लिए। एक होटल ना खोल ले चीनू फिर अपना। चीनू का ढाबा। बढ़िया चलेगा। चीनू जी के मशहूर गोलगप्पे। गोलगप्पे भी बनाएगी अब? ठीक है बना दिए। दूध वगैरह तो पी ले अब? दूध नहीं कुछ नहीं, पानी दे दो आधा गिलास। गरम ठंडा नॉर्मल आरो का ले ले थोड़ा। दूध खाया भी तूने कुछ नहीं? नहीं। और तेरे लिए मैंने ये चावल बनाए थे, चीनू को भेजा, सामान मंगवाया। कोई नहीं, मैं लड्डू लेके तो जा रहा हूँ। और ये भाई गाइस मैंने डोली भर दी है लड्डू की, सेहत बन जाएगी तेरी। भरी है, खोल नहीं रही, अब खुल ही नहीं रही। क्या मुंह कितना मोटा मोटा नहीं हो गया मेरा पहले से? अब तो नहीं हो रहा, अब तो नहीं लग रहा। बाल ऐसे खड़े करता हूँ तो नहीं लगता, बिखेर लूंगा ना नीचे तो लगेगा। इसे लंबा लगने लगता है ना चेहरा ऐसे। ऐसे कर लेगा तो है मोटा लगेगा, फिर नीचे कर लूंगा तो। अब इसे लंबा हो गया चेहरा। हाँ समझ गई, लेकिन हो नहीं रहा वैसे मोटा। थोड़ा फर्क तो है पहले से फेस में। मेरे को तो बस यूं लगता है थकान में आंखें बाहर निकलने को हो रही है। मैं बोलती हूँ जब व्लॉग का एंड वगैरह कर, हाँ ऐसे हो ही रहते हैं वो यूं व्लॉग एंड में। वो वीडियो जब एंड करता है लास्ट में, क्यों पता कितने देर का जगह होता है। वही तो मैं कह रही हूँ, ऐसे हो ही रहती हूँ। वो आंखें यूं जा ही रहेंगी, यूं दे यूं यूं के बजाय यूं हो ही रहते हैं। ऐसे आंख निकलने को ही रहती है बाहर। अभी भी देख लो कल के 2 बजे से जाग रहा हूँ, 24 और 10 34 घंटे हो गए सोए। और कौन सी है विनय वाली? टिगोर। अच्छा हाँ, होरन से लगी तो थी कुछ अलग अलग, अब ध्यान आई है। पहचान गए हाँ। नहीं मेरे को ये नहीं था टिगोर है, मैं मतलब ये आई दिमाग में कि आज होरन कुछ अलग है बस। फिर वो गेट खोलने चले गए, फिर दिमाग से निकल गई, पूछ नहीं पाई। चलो ठीक है बाय बाय। वो दे दे ये ऐसे ही। टिगोर तो खड़ी बिल्कुल बच्ची सी लग रही है भाई, ध्यान से जाना ठीक। तो गाइस चलो इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, और सुबह मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। रचित भी चला गया है और चीनू भी है सोने की तैयारी में। तो चलो गाइस आप लोग भी सो जाओ और हम भी सो जाते हैं भाई। गुड नाइट, बाय बाय। बाय बाय चीनू। बाय। हमेशा गुस्से में बोलेगी। बाय बाय बाय। पागल।